बाल दिवस ये प्राइमरी विंग में एक जो भी ऐसा हैं, अवसर है उनके टीचर, देश के जो बच्चों भी संयोजक हैं वो अपनी सहायक सामग्री तैयार रखें, खुले विचारों से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का मौका मिलता है और बच्चे इस दिवस के माध्यम से अपने ऐसे बहुत से साथी जो पढ़ाई से वंचित हैं उनको भी ये संदेश देते हैं कि वो भी सब पढ़ें, आगे आए। और बच्चे देश की एक ऐसी धरोहर हैं जो जिन पर हर राष्ट्र गर्व करता है। तो बाल दिवस के माध्यम से विद्यालय में प्रतिवर्ष बहुत सारी प्रतियोगिताएं खेलकूद की होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इनके माध्यम से बच्चे स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और यंग भारत का निर्माण करें। 14 नवंबर को पूरा देश बाल दिवस के रूप में मनाता है। जब देश आज़ाद हुआ हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्रेम करते थे और बच्चे उस समय भी देश का भविष्य थे और आज भी देश का भविष्य हैं। खेल कूद के माध्यम से आज का दिन बिताते हैं, देशभक्ति भावना जगे, उनका जीवन उज्ज्वल हो और आगे अपना भविष्य के निर्माण के साथ साथ देश के निर्माण में भी अपना सहयोग प्रदान कर सके, ऐसी बच्चों से भी कामना और उस उद्देश्य में हम सब लोग सफल हों ऐसा अपने लिए भी। आज जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विद्यालय हर वर्ष बहुत बड़ा प्रोग्राम सेलिब्रेट करता है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहते हैं और मोस्टली खेलकूद रहते हैं, जैसे कबड्डी है, खो खो है, कुश्ती है और ये बड़े बड़े बच्चों के, सीनियर बच्चों के खेल रहते हैं। साथ ही छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी LKG UKG के, उनकी फैंसी ड्रेस और आपके थर्ड टू फिफ्थ डेस्क विद फ्रूट रेस अदर हैं, मतलब टग बार है, अदर हैं, ढेर सारे ऐसी प्रतियोगिताएँ हैं जो उन बच्चों को मद्देनजर रखते हुए ढेर सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और गार्जियन के साथ साथ बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी हम आमंत्रित करते हैं, अभिभावकों की भी प्रतियोगिताएँ रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें म्यूजिकल चेयर है, आपकी जलेबी रेस है और सामान्य ज्ञान है, इनके माध्यम से हम गार्जियन को भी प्रतियोगिताओं से जोड़ते हैं और उनको हम सम्मानित भी करते हैं। और मैं लास्टली तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे मौक़ों पर, बाल दिवस पर हम बच्चों को स्वस्थ रहने का संदेश देते हैं क्योंकि आज की परिस्थिति में बच्चे काफ़ी मात्रा में, मोस्टली मैं देखता हूँ कि वो इन चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन कम से कम बाल दिवस पर ये बच्चे खेलकूदों से जुड़ते हैं, उत्साह उनमें होता है और वो चीज़ हमें देखने को इस समय मिलती है।